क्या नाम है आपका? शिवांश। क्या तकलीफ थी बच्चे को? सर इसको ब्रेन कैंसर में फोड़ा था। जब फोड़ा था सर, इसको डॉक्टर को दिखाए थे, आइकॉन हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद हम थोड़े दिन रुके, 2-3 दिन, फिर इलाहाबाद लेके गए थे। इलाहाबाद में 3-4 हॉस्पिटल, जागृति में, फोनिक्स में, स्वरूप नारायण में, तो वहाँ पे सबने जवाब दे दिया था, कोई मतलब है नहीं, अब फालतू पैसा आपकी लाइफ बर्बाद होगी, तो दुनिया भर के बताए हमको एक्सपीरियंस ले दे दो, ये बीमारी है कि हम लोग पता लगा सके क्यों होता है, या फिर इसको डस्टबिन में फेंक दो। हमने सर कुछ नहीं किया, लेके हम चले अपने बच्चों को, उनका कोई इलाज नहीं करवाया, सिर्फ ओपन करके घाव दिखा दिए थे बस। फिर वहाँ से सर तो यहाँ मथुरा में ले गए डॉक्टर पंकज गुप्ता के यहाँ, तो वहाँ पे ले गए, वो भी कोई संतुष्टि नहीं दिलाए, वो भी यही सारी बातें बोले, कोई मतलब है नहीं, ऑपरेट करने तुम कर देंगे, लेकिन बच्चा बचेगा भी नहीं, बचेगा भी तो कोई गारंटी नहीं है कि ये बोलेगा चलेगा, कुछ भी मोमेंट आएगा ऐसा। फिर वहाँ से लेके चले आए, फिर वहाँ से लेके आए यहाँ पे PGI में लखनऊ, यहाँ पे लेके गए, तो डॉक्टरों ने तो पता यही सब उन्होंने भी बताया था, लेकिन अब इतना बड़ा हो जा रहा था फूल के, जैसे लग रहा था फट जाएगा, तो ऑपरेशन भी कराना जरूरी था, तो ऑपरेशन कराया, तो उसको 17 बार ऑपरेशन किया और सेंट्री लेके, और पीछे का बोन जो है 8 बार ऑपरेट किया, इन्फेक्शन हो रहा है, फिर क्लोज नहीं हो पा रहा है, चमड़ियाँ सड़ गई है, पता नहीं बहुत बताएगी इससे। फिर कितने साल भरते रहे, कितने मतलब महीने भर सब कंटिन्यू रहे संजय गांधी में? अच्छा, एक साल कांडी में रहने पर मतलब एक साल भर्ती नहीं, 17 बार उन्होंने ऑप्शन किया, 17 बार जी। उसके बाद सर वेंटिलेटर भी चला गया, तो 6 साल हो गया ऑपरेशन। हाँ नहीं तो जैसे अभी आप बता रहे कि लैट्रिन छूट जाती थी, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था, सर ऐसे था कि जैसे हम उसको गोद में भी लेते थे जी, या फिर थोड़ा सा भी ऐसे कर देते तो लैट्रिन उसको हो ही जाती थी अपने आप। कैसी लैट्रिन होती थी, उसको लैट्रिन मुझे समझ नहीं कि बाथरूम के साथ ही लैट्रिन होती थी, एकदम पानी जैसे तेल तेल की तरह दिखता था, लैट्रिन नहीं समझ में आया। फिर सर धीरे धीरे उसमें भी सुधार हुआ, तो सुधार कहाँ हुआ, सुधार सब वहाँ पे नहीं हुआ। हाँ मतलब एलोपैथिक में जब इलाज कराए तब सुधार नहीं हुआ, नहीं हुआ तब तक सर ये वैसे ही प्रॉब्लम बनी रही, खांसे तब भी, हम गोद मिले तब भी, जरा सा करवट कराए तब भी लैट्रिन हो जाती थी। फिर उसके बाद सर चलता बोलता भी नहीं था तब, नहीं सर कुछ भी मूवमेंट नहीं था, कुछ भी मूवमेंट नहीं था, सर लेटा तो सीधा, बस जिस तरफ आप कर देंगे उसी तरफ रहता था बच्चा। फिर सर हम डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव यहाँ रायबरेली में दवा करा रहे थे, उनके यहाँ सर अभी उनको 1.5 साल भी नहीं हुआ, तब से सर बहुत ज्यादा मूवमेंट आया, पैर में भी मूवमेंट है, लैट्रिन में जो दिक्कत थी वो भी सर बहुत ठीक है, अब तो सर 24 घंटे में एक बार लैट्रिन करते, वो भी पता चलता है कि हाँ लैट्रिन हो गया, मतलब बताता है, बताते ही है, और करने पे वो कहते भी लैट्रिन हो जाओ, दिक्कत हो रही, दर्द हो रहा है वहाँ पे, सब तो रिटायर हो, लेकिन पहले से काफी सुधार है, 24 घंटे में एक बार लैट्रिन होने लगी, ये सबसे ज्यादा हुआ। तो अब आपको लगता है ना कि एकदम ठीक ठाक हो गया बच्चा? हाँ पहले से सब ठीक ही है, सर वही हमारे सर खड़ा कर दे हमको, ना ना बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा क्या चलता ही, आप देख रहे मूवमेंट, हाँ पैर का मूवमेंट आ गया, पैर चलने लगा है, तो बहुत अच्छा है, इसमें हाथ पर चल रहा है, मूवमेंट आ रहा है, इसको मालूम भी पड़ता है कि मूवमेंट हो रहा है पैर में। हाँ सर ये खुद बताते हैं, हमने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया, तो लेटा दिए थे, जब पहली बार इसका पांव चला, ये खुद में मम्मा देखो मेरा पांव चल रहा है, तो मैं सोची ये वाला पैर तो एक दो मेरे जिसकी उम्मीद थी तो उसमें कम है, लेकिन जिसके हम बिल्कुल उम्मीद नहीं किए थे, जो ऑपरेशन किए थे वो भी नहीं उम्मीद दिखाए थे हमको चलेगा भी, वो पैर उसका चल रहा था उस टाइम जी जी जी, और तब से सर बड़े में ही है उनको और ज्यादा ही एहसास हो जाते हैं जी जी। तो अब कुल मिला के बहुत ठीक है पहले से? हाँ, पहले से बहुत ठीक है। ठीक है।